अभी आपको इमोजी से टीवी सीरियल के नाम गैस करने हैं। तो ये इमोजी देखो, इससे कौन से शो का नाम बनता है, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। पहले इमेज में ये ओल्ड लेडी बच्चे को कहानी सुना रही है, तो कहानी, सेकेंड वाला घर और ये भी घर, और अगली इमेज है की, तो बन जाएगा कहानी घर घर की। तो आपने अभी इस टीवी सीरियल का नाम बता दिया था, तो अभी इस इमेज को देखिए और हमें कमेंट में बताइए टीवी सीरियल का नाम। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल था। यह है F, यह है I और यह है R, तो बना FIR। अभी इमोजी से ये टीवी सीरियल का नाम बताइए और आंसर नीचे कमेंट करें। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। यह है पहले इमेज में है एक लड़की, मतलब इसे बालिका कह सकते हैं, और दूसरे इमेज में है ये दुल्हन, जिसे आप वधु भी कह सकते हैं, तो इससे बनेगा बालिका वधु। क्या आपने इन सभी के आंसर कर दिए थे? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। आप एक जेल में कैदी हो और आपके सामने यहाँ पे और दो कैदी है, आपको किसी भी तरह से इस जेल से भाग जाना है। आप उन दोनों कैदियों से पूछते हो कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है, तो दोनों कैदी बताते हैं कि हमने यहाँ से पहले भी भागने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार हम लोग यहाँ से पकड़े जाते हैं। सबसे पहले पहला वाला कैदी बताता है, जब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी तो मैंने यहाँ पे देखा था कि ये पूरी की पूरी जेल नदी से घेरी हुई है। जब मैंने नदी को क्रॉस किया तो दूसरी तरफ सिपाही मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसने मुझे पकड़ के दोबारा से अंदर जेल में डाल दिया। उसके बाद आप दूसरे कैदी की बात सुनते हो, तो दूसरा कैदी बताता है कि जब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी तो मैंने सामने की तरफ एक नदी देखी, और जैसे ही मैंने नदी को क्रॉस करने की सोची उसके अंदर से एक शार्क निकली जिसने कि मुझे काट लिया था। उसके बाद मैंने भागने की कोशिश भी नहीं की थी। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक की तो स्टोरी झूठी है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टोरी झूठी है। तो दोस्तों ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें ये दूसरा वाला कैदी झूठ बोल रहा है। अगर आपने इन दोनों की स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो इसमें ये दो नंबर वाला कैदी झूठ बोल रहा था कि मुझे शार्क ने काटा है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आदमी झूठ बोल रहा है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इस वैम्पायर की करेक्ट शैडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रोहन और रोहित एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बॉस उन्हें एक कॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर
रोहित दे देता है पर रोहन नहीं दे पाता। फिर बॉस उनका आईक्यू चेक करने के लिए एक रिडल पूछता है। मैं सिर्फ वन लेटर से प्रोनाउंस होता हूँ बट थ्री लेटर से लिखा जाता हूँ और मेरा कलर ब्लैक ब्लू ग्रीन ग्रे कुछ भी हो सकता है, तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ। रोहन और रोहित दोनों इसका आंसर सोचते हैं और दोनों ही उसका करेक्ट आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो? ध्यान से सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोनों ने उसका आंसर बताया आई। आई आई के तरह प्रोनाउंस होता है जो एक सिंगल लेटर है जो कि लिखा जाता है थ्री लेटर में और आग ब्लैक ब्लू ब्राउन ग्रे इस कलर के होते हैं। दोनों ने उसका आंसर कर दिया था। बॉस ने उन्हें और एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा तो इस बार भी रोहित उसका आंसर दे देता है लेकिन रोहन नहीं दे पाता, तो बॉस रोहित को जॉब दे देते हैं बट रोहन को नहीं देते। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों, ये पहेली थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। इस पहेली में आपको बताना है अगर तीन मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है तो 9 मुर्गियाँ 9 दिन में कितने अंडे देती होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पहेली का आंसर थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे एक मुर्गी 3 दिन में 1 अंडा दे रही है, तो अगर हम इससे अच्छे तरह से कैलकुलेट करें तो 9 मुर्गी 9 दिन में 27 अंडे देंगे। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।